पिछले दिनों कश्मीर में भाजपा के अलायंस पीडीपी के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के द्वारा सोफे में हुए सिविलियन को गोली लगने से हत्या पर आर्मी जवानों पर मुकदमे को लेकर अब राजनीति रंग चढ़ने लगा है। चाहे कांग्रेस हो या राजधानी दून के क्षेत्रीय दल, आज उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने कार्यालय के सामने पुतला दहन करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वहीं उनकी सहयोगी पार्टी के द्वारा आर्मी पर मुकदमे करना उनके मनोबल को गिराने के समान है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि मैं देश का सिर झुकने नहीं दूंगा, परंतु आज ये बड़े शर्म की बात है कि हमारी रक्षा करने वाले जवानों पर ही FIR दर्ज कर उनको कटघरे में खड़ा करने पर मजबूर कर दिया है। मोदी जी पूरे देश से माफी मांगने के साथ साथ उन पर लगे मुकदमों को तुरंत वापस लें और महबूबा मुफ्ती की सरकार को तुरंत भंग करें। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ढोंगी राष्ट्र विरोधी झूठा चेहरा है, इसे जनता के सामने उजागर करने के लिए हमने आज ये पुतला दहन किया है। जैसा कि सभी को पता है कि आत्मरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के शोपिया नाम की जगह पे गढ़वाल राइफल के कुछ जवानों को पत्थरबाजों की टीम ने घेर लिया था और हथियारों को बचाने के लिए, अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्होंने आत्मरक्षा में जो गोली चलाई। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा केंद्र सरकार में भारतीय देश के रक्षा मंत्री के अप्रूवल पर जो ये गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, हम इस पुतला दहन के माध्यम से, आज के प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना पे खेद जताते हुए, दुख जताते हुए इस मुकदमे को तुरंत वापस करें। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि जब मुलजिम इनको जिस तरह से आरोपी बनाया गया है, सैनिकों को इनको अभियुक्त बनाया गया है, इनको जब अदालत में पेश होना पड़ेगा तो इन्हें कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने देश से एक प्रधानमंत्री बनते समय एक वादा किया था कि मैं देश का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। हम उनसे आज ये पूरा देश जानना चाहता है कि जिस समय भारतीय सैनिकों को कटघरे में मुलजिम की तरह खड़ा होना पड़ेगा जम्मू कश्मीर जाकर, तो उसमें देश की शान कौन सी बढ़ रही है, कौन सी देश का सर गर्व से ऊंचा होगा। इसलिए आज हम पूरा राज्य ये बात जानना चाहता है और पूरे राज्य की ये मांग है, उत्तराखंड कांडल की मांग है कि तत्काल इस मुकदमे को केंद्र सरकार इसमें दखल दे और इस मुकदमे को वापस ले और इसमें दुख जताए।